ममता के पांच भाई एक भाभी बेहिसाब संपत्ति में फंसे। वकील बोले कोलकाता में पूरी सड़क पर प्रॉपर्टी, 5 करोड़ की संपत्ति 1 करोड़ में खरीदी। एनआईए रेड के बाद पीएफआई का केरल बंद हिंसक हुआ। तिरुवनंतपुरम कोयटम में संगठन के मेंबर्स ने गाड़ियां तोड़ी, कोल्लम में 2 पुलिस वालों पर हमला। मुंबई कोर्ट ने पीएफआई के 5 आरोपियों को 26 सितंबर तक एटीएस की हिरासत में भेजा। और पाकिस्तान टीम में क्या पड़ी दरार, क्योंकि शाहीन आफरीदी ने बाबर रिजवान को बताया मतलबी, बोले इनसे छुटकारा मिले। नोएडा फिरोजाबाद समेत यूपी में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर, पूर्णिया और किशनगंज में करेंगे रैली। आज हारे तो सीरीज गई और जीते तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भारत में 5 साल बाद जश्न का मौका। अच्छी खबर यह है कि बुमराह पूरी तरह फिट। मणिपुर में कांपी धरती, महसूस किए गए भूकंप के झटके। कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी, नामांकन से पहले आज शिरडी जाएंगे अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह भी दाखिल कर सकते हैं पर्चा। और गाजियाबाद में एक पर एक फ्री खाने की थाली का ऑफर देकर अकाउंट से उड़ाए 1.5 लाख, अब तक 50 लोग बने शिकार।